हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों? हमारा वेव ऑप्टिक्स चल रहा है और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस चल रहा था, जिसका एक्सपेरिमेंटल इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने प्रूफ किया और लाइट के वेव नेचर को, वो थे यंग्स। उन्होंने वाई डी एस ई नाम से एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ किया कि लाइट वेव है। क्योंकि लाइट वेव है तो इसलिए कहीं ना कहीं ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी का ब्राइट फ्रिंज और कहीं कम इंटेंसिटी का लाइट डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से एक पैटर्न जनरेट हुआ था। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, देख लिया है, राइट। आज बच्चों जो 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन आता ही है, ये एक्सपेरिमेंट पूछा ही जाता है, डेरिवेशन वाई डी एस ई का लिस्ट 3 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम 5 मार्क्स का पूछा जाता है और डेफिनेटली पूछा जाता है, राइट। तो आज हम सारे लोग डिस्कस करेंगे वाई डी एस ई का डेरिवेशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से आप देखेंगे, कल हम लोगों ने देखा था 2 पॉइंट सोर्स, ये स्लिट बनाया हमने, एक स्लिट, बच्चों हमने ये कोई अरेंजमेंट बनाया है। कल जैसे आप लोग को हम बताए थे कि 2 स्लिट्स था और ये वेव छोड़ रहा था ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे पी पॉइंट था और ये भी छोड़ रहा था और ये 2 वेव यहाँ इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर पहुँचे थे, ठीक है। तो ये x1 डिस्टेंस और ये x2 डिस्टेंस, राइट। तो x, ये यहाँ पे अगर ये पाथ डिफरेंस x2 - x1 मतलब डेल्टा x, अगर n लैम्डा होता है, मतलब लैम्डा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, अगर ये होता है तो यहाँ पे P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, मतलब ब्राइट पॉइंट होएगा, आई मैक्सिमम आएगा, ब्राइट पॉइंट होगा, राइट। अगर ये P पॉइंट पर कोई P पॉइंट है, मान लो P पॉइंट नहीं, ये कोई और पॉइंट ले लिया डी, अगर ये डी पॉइंट पर बच्चों, अगर ये पाथ डिफरेंस, अब ये x1 और ये x2, अगर ये x2 - x1 λ/2 3λ/2 5λ/2 ये अगर आता है तो डी पॉइंट पर क्या बनेगा, डार्क पॉइंट बनेगा, डार्क पॉइंट का या डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा डी पॉइंट पर, राइट। तो वही है बच्चों, यहाँ पे वेव कैसे ऐसे ऐसे करके पहुँचता था, ऐसे ऐसे करके पहुँचता था, और इससे वेव ऐसे ऐसे करके पहुँचता था, राइट, फिर वहाँ भी इसी तरह पहुँचे, उसी तरह वेव बच्चों क्या हुआ है कि ये जो पॉइंट हम लोग लिए हैं यहाँ पे, ये पॉइंट एक बार और अच्छे से इसको दिखाते हैं किस तरह से, ताकि आपके दिमाग से निकले ना बच्चों। ये हम लेते हैं ऐसे, स्लिट हो गया और ये कोई पॉइंट पी हो गया जहाँ पे 2 वेव मिल रहा है, ओके बच्चों। यहाँ से जो वेव निकल रहा है स्लिट वन से वो कुछ यूं इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से निकलेगा, ये, राइट। अब यहाँ पे बच्चों पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स चेक करना होगा कि क्या आ रहा है इन दोनों वेव का, ये जो वेव चल रहा है और ये जो वेव चल रहा है, मीट कर रहा है एक ऑर्डिनरी पॉइंट पी पर, इस पर फेज डिफरेंस कैसे आएगा, सॉरी पाथ डिफरेंस क्या आता है, और पाथ डिफरेंस अगर आता है तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस कैसे आएगा, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है फॉर्मूला के डेल्टा एक्स, इससे आ जाएगा, या 2π, के का वैल्यू 2π/λ डेल्टा एक्स, यहाँ से हम लोग फेज डिफरेंस, और जो भी निकलेगा वो कांस्टेंट निकलेगा, हम निकाल सकते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि पी पॉइंट पर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब बच्चों ये एक्सपेरिमेंट यंग्स साहब ने किए, उन्होंने किया, और डबल यंग्स, डबल मतलब डबल स्लिट है बच्चों, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कहलाएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सोर्स वन से वेव जा रहा है, सोर्स टू से जा रहा है ऐसे, राइट, और ये दोनों लाइट पी पॉइंट पर मिल रहे हैं,
मतलब इंटरफेरेंस कर रहा है या फिर कहूँ तो सुपर इम्पोज कर रहा है, राइट। ओके बच्चों, अब कुछ बातें ध्यान रखना है हमें। ये तो स्लिट हो गया S1 और S2, ये दो स्लिट के बीच, इन दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों बीच दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होता है लेंथ, उसे d से स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये जो स्लिट मतलब सोर्स और ये स्क्रीन, ये क्या है, वाइट स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन है, ठीक है। सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से, दो स्लिट के बीच स्मॉल डी से और स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी से, राइट। ओके, ये पॉइंट जो स्क्रीन पर कहीं हम किसी पॉइंट पर लिए, जैसे ये पी लिए, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट नो कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, जिस कंडीशन को फॉलो करेगा वो कंडीशन बनेगा। अगर पाथ डिफरेंस, इन दोनों का पाथ डिफरेंस x1 और इनका पाथ मान लेते हैं x2, अगर x2 माइनस x1 n लैम्डा हुआ तो यहाँ ब्राइट बनेगा, लैम्डा बाई 2 हुआ तो डार्क बनेगा, राइट। अब तक जो हम लोग जान चुके हैं। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं आगे। ये स्क्रीन हो गया, ये डी हो गया, और यहाँ से तो वेव निकल ही रहा है, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि कोहरेंट सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो वेवलेंथ सेम होगा, अलग भी हो सकता है, पर यहाँ पे हम सेम ही अभी मान रहे हैं। एक कंडीशन लिया है किसने, यंग्स ने। वो कंडीशन क्या है, नॉर्मल सा कंडीशन है, क्या है, तो यंग्स का कहना है और सही है, सही भी है, कहना नहीं सही भी है, उचित भी है, गलत नहीं है। क्या है वो, उन्होंने कहा कि लैम्डा जो है ना वेवलेंथ, ये डी दो स्लिट के बीच का जो विड्थ है, लेंथ है, ये मच एंड मच ग्रेटर देन होना चाहिए लैम्डा से, वेवलेंथ मतलब यूं कहूं कि वेवलेंथ जो लाइट है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ना ये भी मच एंड मच लेस देन होना चाहिए कैपिटल डी से, ये डी से। हरे कृष्ण, मतलब ये डी जो है वेवलेंथ के 1000 times होना चाहिए, 1000 times, और ये डी जो है इस डी से भी 1000 times होना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस छोटा है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, और ये डिस्टेंस भी छोटा है लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में। और लाइट का वेवलेंथ कैसे कैसे होता है बच्चों, 3900 angstrom से लेकर 7800 angstrom तक, ये होता है वेवलेंथ लाइट का, जो जनरली हम सी करते हैं विजिबिलिटी के लिए, विजिबल रेंज में विज्योर का ये रेंज है। तो देखो, एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करो बच्चों। लैम्डा, ये डी जो है बहुत छोटा है, मतलब एकदम से कम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, नैनोमीटर में नहीं, मिलीमीटर में है, ठीक है, ओके। और ये बच्चों मीटर में है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये भी हाइट बहुत छोटा होगा, ठीक ना। अब कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, कि इन दोनों का लेंथ बहुत छोटा है ना, मिलीमीटर में है, मतलब बहुत कम लेंथ है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये देखो कुछ इस तरह का सीन है, अगर मैं बताऊं ये S1 सोर्स, और जस्ट इसी के पास, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं आप लोगों को, ये S2, और भी करीब लाना है, इसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया S2 यहाँ पे, ठीक है। ये किसी पॉइंट, ये है सेंटर, ये है सेंटर, ये है सेंटर, और ये कोई पॉइंट है P सेंटर का, यहाँ पे ऐसे और यहां पे ऐसे, ये दो लाइट रे यहां पे मिल रहा है पी पॉइंट पर, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, अगर दिखाई दे रहा हो तो इस तरह से जूम कर दिए हम, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये
ये जो डिस्टेंस है इनके बीच, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है, राइट। तो हम इसलिए ये चीज बता पा रहे, बताना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम x1 और x2 का पाथ डिफरेंस लें तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि ये मान लो ये यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक, तो ये वाला x2 ज्यादा पाथ होगा x1 से। सोचो ना, बहुत आसान है, x2 ज्यादा पाथ, ज्यादा बड़ा पाथ होगा x1 से, ऑब्वियसली, क्योंकि इसको यहां से यहां जाना पड़ रहा है, उसको यहीं से यहां तक जाना पड़ रहा है, तो x2 को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, मतलब x सोर्स s2 से जो लाइट निकल रहा है, तो x2 ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है सवाल यह है, कि ज्यादा तो है पर कितना ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किए, मतलब ये कि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो अब देखो बच्चों, ये इसको भूल जाओ, तो यहां से यहां तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट, उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में, यहां इन दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, दोनों सेम पाथ हो गया, एक्स वन एक्स टू बराबर हो जाएगा, राइट। तो एक्स टू कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है पी तक जाने के लिए, तो इतना किया यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो सोर्स टू से निकलने वाला लाइट ट्रेवल करेगा, मतलब ये जो है पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये क्या है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन, देख लो, ठीक है, ओके बच्चों, यहां से एक एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां से बीचों बीच एकदम, और इस एंगल को थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा, दूसरे पेन में मान लें, ठीक है, इस एंगल को थीटा हम एज्यूम करते हैं, ये थीटा एंगल, ओके, सी, यहां ध्यान देना बच्चों, जब इस पॉइंट पी को नीचे करेंगे हम, इस पॉइंट पी को नीचे करेंगे, तो ये अब लाइट यहां और ये लाइट यहां, ठीक है, और नीचे करें तो ये एंगल और कम हुआ ना, एंगल कमेगा ना, ये थीटा कम होगा, इसको नीचे लाएंगे थीटा कम होगा, और फिर यहां ले आएंगे तो और थीटा कम हो गया ना, ये यहां पे आ गया तो और थीटा कम, तो जैसे ही ये घटेगा तो हम देख रहे हैं क्या, जब ये ऐसे से घटेगा तो ये शिफ्ट इधर होगा, तो डेल्टा एक्स भी घटेगा, मतलब ये पाथ डिफरेंस जो है ये घटेगा, किसके घटने पर, जब पी को हम नजदीक लाते हैं, मतलब थीटा जब घटाते हैं तो पाथ डिफरेंस भी घटता है सेमेंटेंसली, अब जब थीटा जीरो हो जाएगा यहां आ जाएगा तो पाथ डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, मतलब दो सोर्स के बीच, ये देखो बच्चों, ये x1 और x2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो एंगल भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया एंगल, मतलब ये थीटा जीरो तो पाथ डिफरेंस जीरो, मतलब ये थीटा ना, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि इसके साइमल्टेनियसली ये जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे ये घटता है, क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये जो होता है बहुत कम डिस्टेंस होता है बच्चों, इन दोनों दो रे के बीच बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसलिए ऑलमोस्ट ये जो थीटा होता है एंगल, ये थीटा हम यहां से परपेंडिकुलर, इसे भी थीटा कहते हैं, साइमल्टेनियसली बढ़ता है और घटता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, क्यों, क्योंकि ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, और जैसे जैसे ये थीटा घटेगा वैसे ये थीटा जीरो घटेगा, जैसे थीटा जीरो हो जाएगा ये भी थीटा जीरो हो जाएगा, इसलिए ये थीटा होता है, राइट, ओके। अगर हम इस पाथ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ ये जो सीन है, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा हम उठाते हैं और इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरह से आया और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया थीटा, और यहाँ से यहाँ हो गया डी, देखो यही एस वन, ये पॉइंट है एस वन और ये पॉइंट है एस टू, और यहाँ से यहाँ हो गया डेल्टा एक्स, और ये हो गया परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कुछ इस तरह से सीन है। अब एक साइड पता है, कितना है साइड डी, एक साइड पता है, एक एंगल पता है, दूसरा साइड निकालना है ये वाला, तो ये थीटा है, थीटा एंगल के सामने ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस ना,
तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा अगर लें, ध्यान से देखना एंगल क्या, हमने सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस क्योंकि ये क्या हो गया बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर है बेस पर, ठीक है, ओके 90 डिग्री है बेस पर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, पी क्या होगा डेल्टा एक्स और एच क्या होगा डी ना, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा डी साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस आ गया, पार्ट डिफरेंस कितना आया डी साइन थीटा, ये क्या आया डी साइन थीटा। नोट नहीं करना है, बस समझना है, समझाने के लिए कर रहे हैं, नोट करने के लिए तो हम डेरिवेशन लिखाएंगे अभी, ठीक है, डी साइन थीटा हो गया बच्चों, ओके डी साइन थीटा जैसे ही हुआ तो ये एंगल तो बहुत छोटा है क्योंकि जो भी होता है डी जो है ये 10^-3 मीटर, तो एंगल तो बहुत छोटा हो गया, वेरी स्मॉल थीटा, एंगल तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब स्मॉल एंगल के लिए जैसे एक पार्ट डिफरेंस आया क्या डी साइन थीटा, डी साइन थीटा आया ना पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं ऑलमोस्ट थीटा, और थीटा को टेन थीटा को भी क्या लिखते हैं टेन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा, तो क्या साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, यही करेंगे हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि स्मॉल एंगल तो बहुत स्मॉल है। देखो ये सोर्स है, दो सोर्स, फिर से हम बता रहे हैं एस वन और एस टू, ये कोई पॉइंट है एकदम दूर पे, बहुत दूर, बहुत दूर, और भी दूर ले सकते हो, और भी दूर ले सकते हो। अब यहाँ तक आते आते लाइट क्या होता है बहुत ऑलमोस्ट पैरेलल जाता है, ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है, ये बहुत छोटा ना, इसलिए ये एंगल बहुत छोटा तो ये एंगल भी बहुत छोटा, ठीक है, इसलिए हम एंगल वेरी स्मॉल एंगल लेते हैं, ये करेंगे अब, ठीक है। अब इस चीज़ का डेरिवेशन हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, इसलिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसे मिटाऊं, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए था, समझ गए क्या 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 करने वाले हैं हम लोग, ओके। मान लेते हैं ये P पॉइंट है जहां पे या तो ब्राइट बन रहा है या तो डार्क बन रहा है, और वो Y एंड डिस्टेंस हाइट पर है, कहां से सेंट्रल से, यहां सेंटर है तो यहां पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा क्योंकि यहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब हम इस चीज को लिखते हैं क्योंकि 12th बोर्ड के लिए जरूरी है, तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो यहां पे है वही चीज लिखेंगे हम, राइट, स्टेटमेंट क्या लिखें, लेट अस कंसीडर, क्योंकि 12th बोर्ड में है इसलिए 12th बोर्ड के लिए हमें लिखना पड़ता है, लेट अस कंसीडर ए वाईडी सेटअप, ए वाईडी एसई सेटअप, YDSE setup having two slit S1 and S2, S1 and S2, ठीक है, okay, the distance between two slit S1 and S2 at a distance small d, ठीक है, ओके, कैपिटल D यहां पे हम लोग लिखेंगे, कैपिटल D इज ए डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन हो गया, ठीक है बच्चों, d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है, p इज द पॉइंट स्क्रीन, p इज द पॉइंट, ये p p इज ए पॉइंट एट ए हाइट ऑफ YN from the central maxima, from YN
फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ओके। एंड अब बच गया एक्स वन और एक्स टू, एंड एक्स वन एंड एक्स टू इज द डिस्टेंस, अपने मन से लिखना है, जो आप डायग्राम बनाए हैं उसी डायग्राम को लिखना है, यही स्टेटमेंट कहलाता है। और दम से लोड नहीं लेना है, चाप नहीं लेना है बच्चों, एकदम से आसान है बहुत, जो आप यहां हैं उसी चीज को लिख दीजिए, यही स्टेटमेंट कहलाता है, राइट। एक्स वन एंड एक्स टू इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट from slit 1, slit S1 and slit S2, ठीक है, बस, ठीक है। सो ओके, कुछ नाम अब दे देते हैं बच्चों, नाम देते हैं, नाम ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग कुछ, इसको D दे दो, बस P हो ही गया, ठीक है, बस स्टेटमेंट नोट कर लिए। अब बच्चों ध्यान से, सो के बाद द पाथ डिफरेंस The path difference to reach light from S1 is to the path difference to reach light from S1 and S2 and S2 at point P is, क्या हो जाएगा बच्चों, path difference क्या हो जाएगा, delta x equal to x2 minus ये यहां से s2p ये s2p माइनस S1P, ये आ गया पाथ डिफरेंस, ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हो गया पाथ डिफरेंस, ठीक है, एक्स डेल्टा S2P माइनस S1P। थोड़ा सा स्टेटमेंट को अब हम लोग मिटाते हैं ताकि जगह बने और इसको हम कैरी कर पाए, ठीक है, ओके। S2P यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा x इक्वल टू S2P, और S2P कितना लिए हैं, X2, तो X2 माइनस S1P, S1P कितना लिए हैं, X1, ये भी लिख सकते हैं, ये भी पार्ट डिफरेंस हुआ, राइट, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं स्टेटमेंट को और लिखेंगे, क्योंकि स्टेट ये सब डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता ही है, राइट, या तो न्यूमेरिकल्स या तो डेरिवेशन। इस बार न्यूमेरिकल्स आया तो हो सकता है कि 2021 में इसका डेरिवेशन आ जाए, ओके। फ्रॉम ट्रायंगल देखो बच्चों, ट्रायंगल S1, S2 एंड D, यहाँ पे कुछ को कुछ लिख लो, सबसे अच्छा R लिख लो, राठौर सर हो जाएगा R से ना, S1, S2, R इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल S1, S2, R, ठीक है, ओके। साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाय H, और P क्या है, एंगल के सामने वाला, डेल्टा X ना, देखो नहीं हाँ, P हो गया क्या बच्चों, S2R by
एच क्या हो गया, एस वन एस टू, एस वन एस टू मतलब एस टू आर क्या हो, एस टू आर पाथ डिफरेंस यही तो है डेल्टा एक्स, एस टू आर ही तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस वन एस टू और एस वन एस टू के बीच डी, स्मॉल डी, तो ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू ये, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, डेल्टा एक्स हो जाएगा डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या आया, पाथ डिफरेंस इक्वल टू, पाथ डिफरेंस आया डी साइन थीटा। बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, डी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हमको ये हाइट निकालना है तो हम क्या करेंगे, थीटा को स्मॉल लेंगे, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल, इसी तरह लिखना है आपको, स्मॉल एंगल ऑफ थीटा, स्मॉल एंगल थीटा, थीटा के स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट थीटा कहते हैं, तो साइन थीटा को क्या हम टेन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो हमारा आने वाला है वो कितना आएगा बच्चों, पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, देखो ना पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा आया है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, डी टेन थीटा, डी टेन थीटा, ये बहुत अच्छा चीज आ गया। इसको इसको बस कुछ नहीं, पाथ डिफरेंस याद रखना है डी साइन थीटा ही, स्मॉल एंगल कर दिए इसलिए टेन थीटा लिख लिए, ठीक है, तो स्मॉल एंगल कर दिए इसलिए डी टेन थीटा लिख लिए, ओके बच्चों। हरे कृष्ण। तो अब पाथ डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल एंगल के लिए आ गया क्या, डी टेन थीटा, ओके फाइन 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 फाइन, पाथ डिफरेंस आ गया। अब इस पॉइंट पर क्या बनाना चाहते हैं आप ये बताइए, नहीं समझे, इस पॉइंट पर क्या बनाना चाहते हैं, ब्राइट बनाना चाहते हैं या डार्क फ्रिंज बनाना चाहते हैं ना, तो और उसके बाद कितना नंबर का, फर्स्ट बनाना चाहते हैं, सेकंड बनाना चाहते हैं, थर्ड बनाना चाहते हैं, तो अगर पी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनता है तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां पर कंडीशन, ठीक है, पहला P पॉइंट पर हम ब्राइट बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं ब्राइट के लिए कंडीशन क्या आता है, राइट, या पहले यहां पे अच्छा, इफ P पॉइंट पर, इफ एट पॉइंट P, पॉइंट P ब्राइट 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 फ्रिंज इज प्रोड्यूस, फ्रिंज इज ऑब्टेंड 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 देन देन, ओके बच्चों, देन ब्राइट फ्रिंज के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन आया था यहां पे हम लोग बच्चों मिटा रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट यहां आए थे तो इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आया था पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा, तो अब इसको कंडीशन यहां पे रख देते हैं, क्या आता है बच्चों, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे आया है डी टेन थीटा, डी टेन थीटा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा इक्वल टू डी टेन थीटा, टेन थीटा ये थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, वाई पी पॉइंट हाइट P बाई बी, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर y, n माने हैं और बेस d, ध्यान से टेन थीटा, टेन थीटा ये हो गया टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब पी सी वाई एन, वाई एन हुआ पी सी, और ये कैपिटल D, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, वाई एन बाई कैपिटल
डी। तो पी पॉइंट कितना हाइट पर, तो यहां से वाई एन निकाल सकते हैं हम लोग, क्या वाई एन इक्वल टू एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, और वाई एन क्या है हाइट, वाई एन क्या है, वाई एन क्या है हाइट, कहां से सेंट्रल मैक्सिमा से पी पॉइंट का फॉर एनथ ब्राइट फ्रिंज। एन का वैल्यू रख देंगे तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको यहां पे नोट करो इस बच्चों, और इसे हम मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, जगह बनेगा तो फिर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर पाएंगे। चलो बच्चों, चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी ना। तो y n इक्वल टू आया ब्राइट फ्रिंज के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आया कब p पॉइंट पर, ये p पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बने, तो आया y n इक्वल टू n d लैम्डा बाय स्मॉल d। एक बार जान लेते हैं सब चीज को, तो y क्या है, y को जानना बहुत जरूरी है इन सब में, सबसे पहले y को जानना बहुत जरूरी है, y बहुत इंपॉर्टेंट है। y है हाइट, P पॉइंट का हाइट, P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ऊपर भी, ठीक है। वो हाइट कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, ठीक है। हाइट यहां पे कितना नंबर है, वो n, अगर सेकंड ब्राइट चाहिए तो 2 रखेंगे, n का वैल्यू 2, ठीक है। थर्ड चाहिए तो थर्ड रखेंगे, y3, थर्ड मतलब थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो y n क्या है, हाइट ऑफ nth, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। तो ये ज्यादा जरूरी था, ये ज्यादा जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को इंपॉर्टेंट माने, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट बहुत है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राइट फ्रिंज के लिए। एकदम से अब कुछ नहीं करना है, ब्राइट फ्रिंज के लिए याद रखना है एन डी लैम्डा बाई डी, कौन डी ऊपर, कैपिटल डी ऊपर, नीचे कौन सा डी, स्मॉल डी, ठीक है। ऊपर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब कैपिटल डी, नीचे मतलब छोटा, छोटा मतलब स्मॉल डी, छोटा मतलब स्मॉल और स्मॉल डी, हो गया। तो ये चीज का इसको याद रखना है, ठीक है। एन क्या है बच्चों, तो n तो शुरू से ही बताए आ रहे हैं, क्या है n है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इंटीजर नंबर, ठीक है, ओके। d क्या है, d क्या है, कैपिटल d क्या है, कैपिटल d क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और है क्या, बोलो ना, तो डिस्टेंस बिटवीन, अरे बोलो ना यार, डिस्टेंस बिटवीन हाँ, डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन है, ओके। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है, अरे ये स्मॉल डी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लीट, सब चीज लिखना पड़ेगा सर, डिस्टेंस बिटवीन स्लीट, अरे कुछ चीज खुद से लिख लो, स्लीट्स, हो गया। तो ये चीज एनथ ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग हाइट निकाल लिए कि सेंटर से कितना हाइट पर दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, चौथा मैक्सिमम, जितना एनथ मैक्सिमा निकाल पाए उसके लिए कंडीशन आ गया, क्या होता है एन डी लैम्डा बाय डी, ऊपर ऊपर मतलब बड़ा वाला डी, नीचे मतलब स्मॉल डी, एन क्या है 0, 1, 2, 3, 4 से गोज ऑन, राइट, ओके। अगर नाइन्थ चाहिए कि नाइन्थ मैक्सिमा कहाँ बनेगा, कितना हाइट पर, तो 9 का हो जाएगा 9d λ/d, बहुत ही आसान, जितना पूछे उतना d λ/d। फिफ्थ मैक्सिमा कितना हाइट पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा से, तो 5d λ/d पर। नाइन्टीन्थ मैक्सिमा कितना हाइट पर बनेगा फ्रॉम सेंटर, तो 19th d λ/d, ठीक है, बहुत आसान, पक्का, डन, ओके, फाइन। अब ये जब मैक्सिमा का बात किए हैं हम,
यहां पे मैक्सिमा का जो बात किए हैं, मैक्सिमा का हम सिमिलरली मिनिमा का भी तो बात करेंगे, मिनिमा भी तो देखेंगे ना, तो ठीक है मिनिमा देखते हैं। ओके, अगर पी पॉइंट पर मिनिमा बनता है तो मतलब डार्क बनता है तो ठीक है देख लेते हैं। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये तो था इफ एट पी ब्राइट फ्रिंज इज ऑप्टेन, फिर इफ एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी डार्क, डार्क या मिनिमा, या डार्क या मिनिमा इज ऑप्टेंड, अगर डार्क या फिर मिनिमा ऑप्टेन होता है तो फिर क्या कंडीशन आएगा। ओके बच्चों, अब तक जो पाथ डिफरेंस आ चुका है, पाथ डिफरेंस वो क्या आया है, बोलो बोलो, डेल्टा एक्स क्या आया है, पाथ डिफरेंस आया है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा, ठीक है, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए कुछ याद है क्या, पाथ डिफरेंस क्या आता था फॉर डार्क फ्रिंज के लिए, पाथ डिफरेंस क्या आता था, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय टू, मतलब 0.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय टू मतलब 1.5, मतलब लैम्डा बाय टू के ऑड इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, मतलब लैम्डा बाय टू आता था तो पहला डार्क, 3 लैम्डा बाय टू आता था तो दूसरा डार्क, 5 लैम्डा बाय टू लेता आता था तो तीसरा डार्क, एंड सोज ऑन, मतलब लैम्डा ये होता था, और कंडीशन जनरलाइज कर देते थे तो ये आता था 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये आता था जनरल पाथ डिफरेंस का। अरे याद रखना है ये जो चीज़ लास्ट क्लास लेक्चर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे पाथ डिफरेंस ये होता है, पाथ डिफरेंस ये, तो इसको रखते हैं बच्चों पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, सिंस डेल्टा एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा, अब तो नीचे दिखाइए नहीं देगा इसके नीचे ना, तो इसको यहाँ रखते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं, तो इसको मिटाते हैं हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, हाँ, तो यहाँ से आते हैं यहाँ पे और डेल्टा एक्स इक्वल टू आया डी टेन थीटा, ठीक है, और डेल्टा एक्स होता है 2n-1, देखो ना डेल्टा एक्स 2n-1 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू डी टेन थीटा, टेन थीटा वही टेन थीटा क्या, टेन थीटा इक्वल टू देखो ना थीटा ये एंगल हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया y n बाय बेस कितना कैपिटल डी, ठीक है। ओके तो y n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां से y n इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 और d लैम्डा बाय d लैम्डा बाय 2, मतलब फाइनली लिखते हैं तो y n इक्वल टू 2n-1 d लैम्डा बाय 2, ये होता है, ठीक है। डार्क फ्रिंज के लिए हाइट कहां से, सेंटर से, ठीक है, इसको लिख लेते हैं y n क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, जैसे वो आया था ना वहां पे n d लैम्डा बाय d ब्राइट के लिए, उसी तरह डार्क के लिए आया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब y n क्या है, y n को अच्छे से जानना जरूरी है, हाइट है, हाइट ऑफ nth ब्राइट नहीं डार्क, nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट। ओके, एन क्या है, एन क्या है, एन को हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इंटीजर नंबर है, राइट। एन 1 मतलब फर्स्ट डार्क, एन 2 मतलब सेकेंड डार्क, एन 3 मतलब थर्ड डार्क, एन 4 मतलब
ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं n1 इक्वल टू फर्स्ट डार्क, आप निकाल सकते हैं हाइट, ठीक है, n2 इक्वल टू सेकेंड डार्क एंड n3 इक्वल टू थर्ड डार्क एंड सो ऑन, ठीक है, आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो हम कर ही देंगे, अभी ही कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ कंडीशन याद रखेंगे, दोनों ही चीज़ें। अब हम लोग थोड़ा सा हाइट निकाल के देख लेते हैं, सब कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है, ओके 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 ओके। तो हम लोग अब अच्छे से निकाल के जानेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, ठीक है, और इसको भी हम मिटाएंगे, इसको भी हम मिटाएंगे और अच्छे से चीज़ों को जानेंगे, ठीक है, ओके। मतलब ये कि अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं ब्राइट के लिए, मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा लिखते हैं एक तरफ और एक तरफ लिखते हैं मिनिमा, मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा का मतलब भी लिखते हैं क्या, ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट पॉइंट नहीं करेंगे हम, ब्राइट फ्रिंज ही कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्राइट फ्रिंज, और यहां पे कहेंगे हम इसको डार्क फ्रिंज। हाँ, डार्क फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हाइट क्या आया, अभी तक हाइट आया है n d lambda by small d, ये आया है हाइट, ओके। डार्क के लिए हाइट क्या आया है, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा 2n-1, बोलना नहीं, d lambda by 2d होगा ना, पता नहीं वहां पे 2 सिर्फ लिखा है कि 2d भी लिखे हैं, ठीक है बच्चों, देख लेना थोड़ा, क्योंकि वहां पे ये होना चाहिए, ठीक है, अगर छूट गया होगा तो ठीक कर लेना, ओके बच्चों। अब यहां पे n को फॉर अब पहला पॉइंट n इक्वल टू जीरो रखते हैं, n इक्वल टू जीरो पे करते हैं, जीरो मतलब सेंटर, तो ये होगा सेंट्रल, और n जीरो पार्ट डिफरेंस भी जीरो, तो n जीरो मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट सेकेंड में काउंट नहीं होगा, सेंट्रल मतलब जीरो, ठीक है, ओके। n जीरो मतलब सेंट्रल, बस इसको जानना है, ठीक है। अब n इक्वल टू जीरो जैसे पार्ट डिफरेंस क्या आया था, क्या n लैम्डा ब्राइट के लिए, तो n इक्वल टू जीरो मतलब पार्ट डिफरेंस कितना, जीरो। पार्ट डिफरेंस जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये सोर्स वन है और ये सोर्स टू है, इनके बीच का डिस्टेंस d था और ये कोई पॉइंट, ये स्क्रीन हो गया, हम ये प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, ये पॉइंट सेंटर, इसका पॉइंट, ये सेंटर, यहाँ से जब लाइट यहाँ आएगा और यहाँ से जब लाइट आएगा यहाँ पे, तो दोनों जगह से जो लाइट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो दोनों जगह से लाइट आएगा, ठीक है, तो देखो जितना पाथ ये ट्रैवल कर रहा है उतना ही पाथ ये भी ट्रैवल कर रहा है, इसलिए सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पे सेम डिस्टेंस मतलब x2 - x1 कितना हो जाएगा, जीरो ना, मतलब ये सेंटर पर हमें डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। अगर ये सोर्स और बाहर है, ये सोर्स और दूर है, तो यहाँ से भी लाइट ऐसे और यहाँ से भी लाइट ऐसे, तो भी पाथ डिफरेंस जीरो, मतलब सेंटर पर हमेशा ही मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो हमेशा ही होगा, मैक्सिमा बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमेशा जीरो ही आएगा यहाँ पे, इसलिए पाथ डिफरेंस जीरो रखे हैं, एन का वैल्यू जीरो मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए।
ठीक है, नोट कर लें आप, अच्छे से नोट भी कर लीजिए। एन इक्वल टू जीरो पर सेंट्रल मैक्सिमा, तो हाइट क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, वाई हाइट क्या हो गया, जीरो। हाइट कहाँ से होगा, सेंटर से ही, सेंटर पे ही, तो हाइट कहाँ से होगा, जीरो। ठीक है बच्चों, ओके ये चीज़ हो गया, इस चीज़ को नोट कीजिए, मिटाते हैं, फिर हम लोग सेकेंड ब्राइट फ्रिंज देखेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं तो पॉज करके लिख लेना है। ठीक है ओके, अब एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन मतलब फर्स्ट, इसमें लिख रहे हैं तो ये ब्राइट का है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है अब हाइट निकालना चाहते हैं, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है कहां से, फ्रॉम सब कुछ सेंटर से, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है तो y, n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या रखेंगे, n का वैल्यू 1, तो y 1 इक्वल टू n का वैल्यू 1 d लैम्डा, क्योंकि कंडीशन क्या है, y n इक्वल टू d n d लैम्डा बाय d, तो y 1 इक्वल टू d लैम्डा बाय d। ये हाइट पर बन रहा है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नोट कर लें, ठीक है नोट कर लें। अब इधर देखते हैं, एन इक्वल टू जीरो तो यहां रख नहीं सकते, क्योंकि सेंटर पे तो नहीं बन रहा है कुछ, डार्क जब भी बन रहा है, डार्क ब्राइट में सेंटर से, डार्क मतलब फर्स्ट डार्क, इसलिए यहां एन वन रखेंगे, एन वन, एन वन इक्वल टू, इस कंडीशन में एन वन इक्वल टू फर्स्ट डार्क। यहां पे सेंट्रल डार्क नहीं होता है, ध्यान से ध्यान देना है, सेंट्रल डार्क एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां पे फर्स्ट डार्क एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट के बाद तो डार्क आएगा ना, ब्राइट सेंट्रल ब्राइट के बाद पहला डार्क आता है, क्योंकि ब्राइट के बाद डार्क ही आएगा तब ना फिर ब्राइट आएगा, नहीं तो ब्राइट के बाद ब्राइट कैसे हो जाएगा, फिर तो ब्राइट ही हो गया, तो ब्राइट के पहले बाद डार्क आएगा, तो सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क आता है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट ना, ओके तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज एन इक्वल टू वन। तो हाइट अगर निकालना चाहें फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कहां से, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, वाई एन इक्वल टू टू एन माइनस माइनस वन डी लैम्डा बाय टू डी, ये होता है ना, एन इक्वल टू वन रखते हैं तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टू जा वन, वन डी लैम्डा बाय, डी लैम्डा बाय टू डी, डी लैम्डा बाय टू डी, डी लैम्डा बाय टू डी, ये आ गया फर्स्ट। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि वाई फर्स्ट डार्क का हो जाएगा डी लैम्डा बाय डी, और देखिए तो डी लैम्डा बाय डी ये है, इसका क्या होगा वन बाय टू, मतलब ब्राइट फ्रिंज जितना हाइट पर बन रहा है, ये अगर स्क्रीन है और अगर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो अगर ये ब्राइट बन रहा है तो इसका आधा, ब्राइट कितना है यहाँ पे, यहाँ से डी लैम्डा बाई डी पर, तो इसका आधा वन बाय टू पर क्या बनेगा, डार्क, मतलब बीच में क्या बनने वाला है, डार्क। चीज़ों को समझे, अगर ये हाइट ब्राइट का फ्रिंज डी लैम्डा बाई डी है यहाँ पर, इसका हाइट डी लैम्डा बाई डी है यहाँ से, यहाँ से इसका हाइट, हाइट तो यहाँ पे क्या होगा टू, इसका हाफ, और हाफ पर क्या बन रहा है डार्क, हाफ पर क्या बन रहा है फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच में फर्स्ट डार्क एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरह यहाँ नीचे भी ये फर्स्ट ब्राइट बनेगा, इनके बीच में फर्स्ट डार्क एग्जिस्ट करेगा, सब कुछ फेवर कर रहा है, राइट कल देखे थे ना हम लोग पैटर्न उस पर। ये तो फर्स्ट ब्राइट दोनों के लिए हाइट निकालिए, फर्स्ट ब्राइट का और फर्स्ट डार्क का, ठीक है अब सेकेंड ब्राइट और सेकेंड डार्क का निकालेंगे हम लोग, जल्दी से आप ट्राई करेंगे सेकेंड ब्राइट और सेकेंड डार्क का। ठीक है तो हम फर्स्ट को मिटाते हैं, ठीक उसी तरह सेकेंड में भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, अब यहाँ से मिटाते हैं और सेकेंड डार्क सर सेकेंड ब्राइट निकालते हैं पहले। ठीक है सेकेंड ब्राइट एन इक्वल टू टू, सेकेंड ब्राइट हाइट ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एन इक्वल टू
सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का क्या हो जाएगा, सेकेंड बाई वाई टू इक्वल टू टू डी लैम्डा बाय डी, इस फॉर्मूले पे रख दिए तो ये आ गया सेकेंड ब्राइट का। इसी तरह सेकेंड डार्क का इधर निकालना चाहे तो, सेकेंड डार्क का निकालना चाहे इधर तो, सेकेंड डार्क के लिए निकालना चाहे तो पुट एन इक्वल टू टू, मतलब सेकेंड डार्क फ्रिंज, और सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा वाई टू इक्वल टू हाइट ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, क्या हो जाएगा टू टू जा फोर में बन गया कितना हो गया थ्री, तो थ्री डी लैम्डा बाय थ्री डी लैम्डा बाय टू डी, अच्छा थ्री डी लैम्डा बाय टू डी, ठीक है बच्चों, ओके 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 ओके, तो ये हो गया थ्री डी लैम्डा बाय टू डी ना, मतलब क्या 1.5 डी लैम्डा बाय टू डी, 1.5 डी लैम्डा बाय डी ना, ये मतलब ये आ गया हाइट वाई सेकेंड डार्क का, ये हाइट आ गया, ठीक है ओके। एक है टू, अब है 1.5, मतलब कि ये फर्स्ट ब्राइट था, ये फर्स्ट ब्राइट था, ये फर्स्ट डार्क था, ये फर्स्ट डार्क था, सेकेंड वाला जो आने वाला है सेकेंड, वो सेकेंड ब्राइट यहाँ पे आने वाला है कितना टू सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, और ये भी हो गया सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट यहाँ से कितना सेंटर से कितना दूर पर हाइट पर है टू डी लैम्डा बाई डी, जबकि सेकेंड डार्क 1.5 लैम्डा, मतलब इसके बीच में, इसके बीच में क्या है सेकेंड डार्क है, इसके बीच में सेकेंड डार्क है, ठीक है बच्चों। तो ये इसको अच्छे से क्या तुम डेकोरेट कर सकते हो, कम से कम थर्ड ब्राइट और थर्ड डार्क तक खुद से डेकोरेट कर सकते हो, और ये बता सकते हो बच्चों कि ये सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट से ये डिस्टेंस कितना कितना, एक बार अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो प्लीज कर लो ना, खुद से कर लो ना एक बार डेकोरेट, ठीक है, अगर डेकोरेट कर लोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा सच में, ठीक है, तो एक बार डेकोरेट कर लो बच्चों, फिर देखो तो फर्स्ट डार्क एकदम पैटर्न को अच्छे से एनालिसिस करो, तो अच्छे से एनालाइज करो, एक मस्त चीज़ ये, यही चीज़ जो है ना ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है बच्चों, जो प्रैक्टिकल होता है ना इसका बहुत ज़रूर करना कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार डेटा जो है ना इसको तैयार कर लो, तो बच्चों फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डेटा को अच्छे से मैच करवाइएगा आप, हम भी बनाएंगे और आप भी मैच करिएगा, ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है, अपना ख्याल रखना, ओके थैंक यू।